बगलामुखी, जय श्री महाकाल। क्या जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित हैं? क्या ग्रह दोष ने आपको घेरा हुआ है? क्या जीवन में असफलता डेरा डाल करके आपके बैठी हुई है? और इन्हें सभी समस्याओं से क्या आप मुक्ति पाना चाहते हैं? तो आने वाले मंगलवार के दिन आप ये उपाय करके अपने जीवन को समस्याओं से, बाधाओं से मुक्त बना सकते हैं। भक्तों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम करते हैं, परंतु परिश्रम करने के पश्चात भी उन लोगों को अपने जीवन में अपनी मेहनत का जो प्रतिफल है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता और वो निराश हो जाते हैं अपने जीवन से। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हमने अपने लाइफ में देखे हैं जिनके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, जो नित्य प्रतिदिन भगवान का पूजा अर्चन वंदन और सुचारू रूप से शास्त्रोक्त तरीके से वैदिक विधि के अनुसार और शास्त्रों में जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए निर्देश दिए गए हैं इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परंतु फिर भी वो लोग सारा जीवन दुखी रहते हैं। तो एक ऐसा दोष हमारे शास्त्रों में बताया गया है जिसकी निवृत्ति अगर समय रहते ना की जा सके तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता और ना ही कर सकता है। इसके कारण घर में कोई ना कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है। आपके आय का आधे से ज़्यादा धन जो है वो बीमारी के ऊपर लग जाता है या अनावश्यक कार्यों पर खर्च हो जाता है। निरंतर घर में लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश और धन का ना आना, धन की हानि, अपयश और अनेकों प्रकार की समस्याएं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी, ऐसी समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। तो कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं है? क्या आप अपनी इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो? क्या आप चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं एक्चुअल में वो चीज़ें आपको प्राप्त हों? और जिन लोगों के जीवन में ऐसी दिक्कत समस्याएं चलती रहती हैं, जो वस्तु आज के समय में आपको मिल जानी चाहिए वो आज से ठीक 4 साल बाद आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी, ऐसी समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें। जो भक्त चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, वे हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि एक अद्भुत ज्ञान उन लोगों को अपने जीवन में प्राप्त हो सके। तो उपाय क्या करना है? जिन लोगों के जीवन में समस्याएं बाधाएं हैं, जो हार चुके हैं और अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, गृह शांति आदि करा करके जीवन को सुचारू रूप से फिर भी चलाने में जो लोग सक्षम नहीं है, उन लोगों को आने वाले मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। इसके पश्चात आप लाल रंग के वस्त्र पहन करके अपने घर के मंदिर में लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी का विग्रह या राम जी का कोई विग्रह उसके समक्ष देसी घी का दीप आप प्रज्वलित करें और उसके पश्चात राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ आप कर लें। राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ आप कर लें और कोई भी कामना आपकी है, यदि है जीवन में जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, या फिर कोई भी ऐसी कामना जिसको आप चाहते तो हैं पूर्ण करना परंतु चाह करके भी वो कामना पूरी नहीं हो पा रही, आप राम जी से उस कामना की पूर्ति है तो निवेदन करें, प्रार्थना करें, अपनी समस्या आप भगवान से कहें। नॉर्मल शब्दों में आप भगवान से अपनी समस्या कहें। उसके पश्चात शाम के समय आप एक देसी घी का दीपक लेकर के चूड़ा, मिट्टी का जो चूड़ा होता है उसमें देसी घी का दीपक बना करके उसमें 2 लौंग डाल करके, 1 नारियल, 1 मीठा पान और 5 बूंदी के लड्डू, 5 लौंग, 5 इलायची, 1 सुपारी और लाल वस्त्र, संतरे सिंदूर और चमेली का तेल लेकर के हनुमान मंदिर में चले जाएं। हनुमान मंदिर में जाने के पश्चात आप हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर के सबसे पहले हनुमान जी महाराज को दीप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करने के पश्चात उस दीपक में 2 लौंग अवश्य डाल दें। उसके बाद में यदि कोई ऐसी प्रतिमा हनुमान जी के आपके समक्ष है जिस पर आप संतरे सिंदूर लगा सकते हैं तो जो चमेली का तेल है और संतरे सिंदूर है उसको मिक्स करके, मिक्स करने के पश्चात हनुमान जी की प्रतिमा पर उसका लेप करें। इसके पश्चात हनुमान जी के समक्ष नारियल, मीठा पान और जो लड्डू बूंदी वाले थे उनका आप भोग लगा दें, लौंग इलायची भी
वो हनुमान जी को अर्पित कर दें और कुछ द्रव्य चढ़ा करके हनुमान जी से प्रार्थना करें अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। उसके पश्चात हनुमान चालीसा के 11 पाठ मंदिर में बैठ करके हनुमान जी के समक्ष बैठ करके आप इसके 11 पाठ करें और आप उन्हें फिर प्रार्थना करें अपनी समस्याओं से बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके केवल मात्र इतना करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और कहने का अर्थ यह है कि जीवन में आपकी सफलता आना प्रारंभ हो जाएगा, धन की आवक आपके जीवन में बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अनेकानेक प्रकार की जो समस्याएं हैं बाधाएं हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगला मुखी, जय श्री महाकाल।